कि मेरा एक्शन स्टार्ट करो। हेलो हेलो माय टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। अरे आप जातेरा में नहीं ही गए हो? अरे लाइव चल रहा है, मजाक मत करिए, सीधा टॉपिक पे आइए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुल्लू पांड्या, आप देखते हैं फालतू टीवी। कैसे हो आप लोग? अरे बताओ पहले कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग? आप देख सकते हो इतना बड़ा तूफान आया जो पूरा इधर दिख नहीं रहा, भी मिट्टी भी एक नहीं दिख रहा है, सिर्फ बाली ही बाली है। आप देख सकते हो मेरे साइड में जो कितना बड़ा समुंदर जैसा हो गया, ये वही तूफान आया था जो वही तूफान में ऐसा हो गया। और चलो अभी चलते हैं गांव का आदमी को कुछ जानकारी लेते हैं, पूछ के कैसा हुआ, कैसा तूफान आया, पेड़ गिरा या गिरा नहीं, कार कहाँ से कहाँ गई, मछली सब इधर उधर क्यों भटकते हैं। अभी एक दादाजी आ रही है, उनका सर पे एक ही बाल नहीं है, क्या ये वही तूफान से चला गया बाल? तो चलो दोस्तों उसको पूछ के जानकारी थोड़ा ले लेते हैं और आपको भी हम जानकारी देते हैं। हेलो दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुकिए रुकिए, बताइए तूफान कैसा आया था और क्या क्या हो गया, पहले तो आपका नाम बता दीजिए। पहली बात तो ये तूफान से मेरा बाल नहीं गया, ऐसे ही हमारा स्टाइल है। और मेरा नाम है कालू कलेंदर, समझे ना? तो दादाजी बताइए तूफान कैसे आया था और कहाँ गया तूफान तुमको छोड़ के? तुमको तो साथ में ले जाना चाहिए, तुमको क्यों नहीं लिया तूफान? पहली बात तो तूफान हमको लेने का इतना ही उसका औकात नहीं है। और दूसरी बात, हम यहाँ आए थे घूमने, ओमी लाइन मानने के लिए। 3-4 बजे घर में लॉकडाउन में बैठ बैठ के दिमाग घूम गया, इसीलिए थोड़ा आया था इधर घूमने के लिए। तूफान फूफान के बारे हम कुछ नहीं जानता, और ऐसे भी तुमको रिपोर्टर कौन बनाया हम यही सोच रही है। क्या आप पैसा दे के बने हो ना क्या? हट भागो भागो, दिमाग खराब कर रही हो सुबह सुबह हमारा, हट। हेलो दोस्तों, तूफान के वजह से आप देख सकते हो हमारे चाचा कितना गुस्सा कर रही है, और तूफान में इसका क्या चला गया क्या नहीं मालूम नहीं। हमको तो लगता है हमारी चाचा का काछा तो भी नहीं है, काछा भी चला गया इस तूफान ने लेके, यही हमको लग रहा है। चलो दूसरे आदमी को पूछ के जानकारी लेते हैं। दिमाग खराब कर रही है तेरी तो। दोस्तों आगे हमारे साथ बॉडी बिल्डर एक आदमी, चलो उसको पूछते हैं। हमको तो लगता है उनका बेटा बाल भी वही तूफान में चला गया, और गंजी बनियान कुछ ही इसके पास बचा नहीं पहनने के लिए, इसीलिए एक पहन के आए वो सिर्फ चड्डी। ओ बॉडी बिल्डर भाई साहब, आप बताइए कैसे तूफान आया था और क्या हुआ? इधर सिर्फ बाली ही बाली दिख रहा है, मिट्टी को दिखने का चांस ही नहीं है क्या? चलो पूछते हैं बॉडी बिल्डर भैया से कैसा हुआ क्या नहीं, क्या गया क्या नहीं, बस वही जानकारी लेते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जोगेंद्र, हम मुंबई से आया है। और बेटा पहली बात तो ये, इधर कोई तूफान फूफान कुछ ही नहीं हुआ है, और ऐसे तुमको रिपोर्टर कौन बनाया है हम वो भी सोच रहे हैं। आपको दिखता नहीं है हम ट्रैक सूट पहन के आया है, उसको बोलते हो चड्डी पहन के आया है। ऐसे ही हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आया था, और तुमका दिमाग घूम गया क्या? यहाँ पे बोल रही हो तो तूफान आ गया, मिट्टी पर दिखता नहीं क्या है? अब देख सकते हो मेरे साथ कितना गुस्सा में बात कर रही है हमारे बॉडी बिल्डर भैया, फिर भी हम उसको पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। हम कुछ भी हो जाए, टल जाए ठहल जाए, लेकिन जानकारी लेके ही छोड़ेंगे। हम भैया को पूछना चाहते हैं तो इधर इतना बाली क्यों और पानी पानी सारा क्यों दिख रहा है, क्या दिक्कत है, कितना कितना तूफान आया था, क्या है बताइए। ए बेटा ये पहली बात तो ये, तूफान फूफान यहाँ कुछ नहीं हुआ था, आप पगला गए हो क्या पूरा है? अरे ये समुद्र में आके बोल रही हो इधर तूफान हुआ है, हैं? अरे तुम्हारे जैसा टीवी रिपोर्टर को हम कुचल देना चाहते हैं, समझे ना क्या? तुम्हारे जैसा फालतू टीवी रिपोर्टर के लिए हमारा दिमाग खराब होता है सुबह सुबह। अरे कहाँ कहाँ से आते हो यार, इधर कुछ तूफान फूफान नहीं हुआ है, आप दूसरा जगह में चलाए। ये इधर समुद्र है, बीच है, इधर सब घूमने आते हैं सुबह, समझे ना क्या? और इधर समुद्र के साइड में क्या बाली नहीं दिखेगा क्या? तो अंडा दिखेगा ना क्या है, हैं?
अब तुमको कौन रिपोर्टर बनाया यार, एक घुसा देंगे ना रिपोर्टर पूरा छोड़ जाएगा, समझे। देखिए भैया थोड़ा बात संभाल के बात करिए, क्योंकि हमारा ये लाइव चल रहा है, सब आदमी देख रही है, दिमाग खराब हमका मत करिए, समझे ना। तेरी तो रुक रुक, तूफान आया था, मेरा बाल चला गया, गंजी चला गया, हम चढ़ी पहन के घूमते हैं, तेरे को देता हूँ रुक, अब लाइव कर। वाह मार दिया, अरे भागो भागो।